सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोबारा से कहने जा रहे हैं पैल वॉर। सो आप लोग को लास्ट वाली वीडियो में तो याद ही होगा, हम लियान लाइलैंड को मारने गए थे दोबारा से, मगर यार उसके साथ हमने तीन बार फाइट की, तीनों बार ही पिट गए। उसकी वजह ये थी कि हमारे पास कोई भी अच्छा फाइट टाइप पैल नहीं था। भारी मिस्टेक हो गया सर, अगर मेरे पास होता तो भाई साहब हम उसको बार बार मार देते, मगर अब क्या कर सकते हैं। सो आज मेरा यही टास्क होगा कि मैं एक अच्छा फाइट टाइप पैल लेकर आऊँ। उसके लिए मेरे दो ऑब्जेक्टिव होंगे, पहला मैं उसको ब्रीडिंग कर सकता हूँ, दूसरा उसको मैं बहुत दूर से लेकर आ सकता हूँ। वैसे आप में से एक भाई ने मेरे को कमेंट किया था, अगर मैं अलजैफर और अनुबिस की ब्रीडिंग कराऊंगा तो मेरे को फ्लैरिस मिलेगा। भाई साहब फ्लैरिस तो मैं ले सकता हूँ, मगर यार ब्रीडिंग से ये दिक्कत है कि मेरे पास अनुबिस नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही है ना। सो मैं अभी ढूंढने इसको जा रहा हूँ, अगर मैं इसको ना ढूंढ पाया भाई साहब फिर लास्ट में उसकी ब्रीडिंग कर देंगे। सबसे पहले हर बार की तैयारी कर लो। सो जो जो मेरे को नहीं चाहिए, ये मेटल आर्मर और ये कौन सा वाला है। वैसे यार मैंने टेक्नो गेमर भाई की वीडियो देखी थी और मैंने देखा था उन्होंने अपने मोसाना लक्स की एक रॉकेट लॉन्चर बनाया था, मेरा भी मन कर रहा है वो वाला लॉन्चर बनाऊँ। सो भाई साहब वेट किसी करनी है, बना ही लेते हैं फिर आज। सो ये है वो लक्स ग्रेनेड लॉन्चर, इसको बनाने के लिए मेरे को 60 इंगट चाहिए। सो ये मेरे पास है वैसे। और उन्होंने एक रिंग भी बनाई थी, मेरे को याद है ये वाली रिंग ऑफ मर्सी, और ये एवरेज फीडबैक, ये भी बना लेते, सब कुछ बना लेंगे भाई साहब, क्योंकि अपने पास ओवर माइनिंग साइट है, इसमें काफ़ी सारा ओवर ऑलरेडी होगा। ओके 107, इसको ले लेते हैं फिर, अगर इतना ही है तो ले लिया। अब इसको जहाँ पर लगा भी देते हैं जल्दी से भाई साहब, जितना है मैक्स कर दो। अभी तो इंगट नहीं बने, बनाऊँ कैसे मैं, चलो छोड़ो बाद में देखते हैं। वैसे मैंने जो रिंग बनाई थी उसको कैसे काम है, एवरेज फीडबैक इसको बना लेते हैं। अनुबेस जल्दी से कर इसको जल्दी। ओके तो ये बन गया, बस इसमें पता क्या होगा, जो भी फूड होगा मैं यहाँ पर रख दूंगा। बन गया, इसको लगाते कैसे फिर नुबड़े ये भी बता देता। ओके तो अब यहाँ पर जो मेरा फूड लग गया ये ऑटोमेटिकली खा लिया करेंगे, अब मेरे को इनको बार बार खिलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने फूड का इंतजाम तो कर दिया, अब देखता अपने आयरन इंगट बन चुके हैं कि नहीं। अबे बना भी दिए नुबड़े। ओके ठीक है, मेरे को अपना फैंगलॉब निकालना पड़ेगा, वो अपना सभी काम हो चुका है। अब यहाँ से बस इस मुसांडा बैग का ग्रेनेड लॉन्चर बना लेते हैं। अनुबिस जल्दी से बना यार, काफ़ी टाइम लग जाएगा मेरे को पता है, मगर यार ये बना लेगा अकेला ही, साथ में भी हाथ लगा देता हूँ इसके साथ। भाई साहब सच में इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग रहा है, मगर अगर ये बन गया ना तो भाई साहब सब पोकेमॉन्स की मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। अब देखना आप लोग कैसे पावरफुल हो रहा हूँ मैं। ओके भाई साहब अपनी मिनी गन बन चुकी है, अब मुसांडा बैग को निकालते हैं बाहर और बैठ जाते हैं उनके ऊपर। ओके तो ये तो बड़ा खतरनाक सीन हो। अबे यार ये स्टोन से पड़े रहते हैं नीचे, बड़ा तंग करते हैं मेरे को। अब बस मेरे को एक ग्रेनेड मारना, कैसे मारना है ऐसे। ओ भाई साहब ये रिलैक्सोसॉरस, अबे तुम्हारी तो खैर है, आ जाओ नुबड़ो, तुम्हें तो ऐसा मारूंगा ना मैं। हो भाई डैमेज तो इनको मिल रहा, मगर यार इनकी ऐसी की तैसी तो हो रही साथ के साथ। ये देखो, ओके ओके यार मज़ा आ गया, ये तो अच्छी बात होगी। किधर हो नुबड़ो, इधर आओ, ये देखना ये देखना। ओके तो ये बचेगा पंच, अबे लग जा पंच मार। ओके ओ भाई गया गया, रिलैक्सोसॉरस तो गया मेरे हिसाब से तो। अब इसको और बार ग्रेनेड मारता हूँ, गया नुबड़ा। एक और नहीं, मर ही गया, एक और था रिलैक्सोसॉरस, वो कहाँ गया यार, वो भग गया मेरे हिसाब से, इसका भाई भग गया, डर के भग गया होगा। सामने कुछ और जा रहे हैं पोकेमॉन्स, इनको भी देख लेते हैं। ओके डैमेज अच्छा गया, फिर से ट्राई फिर से। ओ भाई भाई मज़ा आ गया यार, अबे मैं फायर नहीं कर पा रहा। अब ये क्या हो गया, मेरे हिसाब से तो लगता है इसका टाइम अप हो गया, थोड़े टाइम के लिए चलता है ना ये। ठीक है यार इसका काम तो हो गया यार, अब अपने को अपने सफ़र पे चलना है यार, इसको बाद में यूज़ करेंगे, इसका सफ़र में कोई भी काम नहीं है, अभी बच्चा है यार ये, मेरे काम नहीं आ सकता। मैं शैडो बीक को लेके चलूँगा, डेजर्ट एरिया में जाने का मेरा मन कर रहा है, मगर यार इस बार मैं यहाँ पर चलता हूँ माउंट फ्लॉपी में, इसके बाद आगे नहीं तो मैं यहाँ पर भी जा सकता हूँ माउंट ऑब्सीडियन पे मिड पॉइंट। तो करूँ क्या, मैं यहाँ पर फॉरगॉटन आइलैंड पे भी जा सकता हूँ। तो गाइस मैं फॉरगॉटन आइलैंड पे आ गया, क्योंकि मेरे को लग रहा है यहाँ से आगे एक डेजर्ट एरिया आता है जो एक बहुत ही खतरनाक होगा। मैं सही गैस किया कि नहीं, अभी आप लोग को ये देखना पड़ेगा, मगर नीचे कोई पोकेमॉन कैद किया है नुबड़ों ने, सिंडिकेट वालों ने, देखता हूँ कौन सा वाला है। अबे यार फडलर इसका मैं क्या ही काम करूँगा, रहने दे भाई तेरे को मैं बाद में पकड़ूंगा, अभी मेरे को तेरी ज़रूरत नहीं है। अगर घूमने तो मैं जा रहा हूँ, मेरे को यार वो आइलैंड दिख नहीं रहा जो मैं ढूंढने आया हूँ, वहाँ पर काफ़ी सारे फॉक्सी घूम रहे हैं और रूबी भी साथ के साथ। सामने एक वे पॉइंट दिख रहा है जो खोल लूँ मैं एक बार, फिर चलता हूँ आगे। वो भाई ट्री देखो, मगर यार ये अपना वहम है, ये ट्री मेरे पास नहीं, ये बहुत दूर है, मैं इसके पास भी नहीं जा सकता। इसको तो भाई साहब मैंने अनलॉक कर दिया, जिस आइलैंड की मैं बात कर रहा था वो सामने वाला ही है। अब ऐसे जाऊँगा तो मैं तो गया बेटे, वो इसका मतलब है कि मेरे को एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन लेकर आना चाहिए। सो वापस चलते हैं घर पर और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन लेकर आते हैं, नहीं तो ऐसे मैं मर जाऊँगा। वापस से मैं वहीं पर ही आ चुका हूँ, अब बस वैनोवेरम के ऊपर बैठते हैं, उड़ के चले जाते हैं वहाँ पर। अगर कोई मेरे को वहाँ पर चेक पॉइंट दिखाए, मीन वे पॉइंट जो ट्रैवलिंग कर पाएगा मैं। भाई साहब मेरे को काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पर आते आते, मगर यार ये देखो कितना बड़ा कासल सा दिख रहा है मेरे को सामने। यार ये क्या ही हो रहा है यार, मैं गलत जगह पर तो नहीं आ गया।
पता नहीं यार मैं बच भी पाऊंगा कि नहीं, मेरे को डर लग रहा है। मगर यार मैं यहाँ पर अपना बेस जरूर बना सकता हूँ। देखो बड़ा बनाया तो बेस मजा आए। यहाँ पर अपना वो ना लगा दें यार, क्या कहते हैं उसको, पैलक। ओबे ओबे ये क्या हो रहा है भाई, हीट रेजिस्टर आर्मर तो मैं बना कर आया हूँ, ये क्या हो रहा है यार। वही है ना मेटल आर्मर। नो 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 नो, माउंट ऑब्सिडियन जी। भाई साहब ये तो वही माउंट है, इसके साथ अटैच है लगता है। इसके आसपास भी मैं जा पा रहा भाई साहब, मैं गया, मर गया मर गया, शायद से गया मैं, सॉरी। अबे यार इतनी जल्दी मैं कैसे मर गया, ये देखो यार। चलो मैं जल्दी सामान लेकर आऊँगा अपना, फिर घर पे मिलते हैं। ओके भाई साहब मैं घर पर तो पहुंच चुका हूँ, मगर यार आप लोगों को क्या बताऊँ, जब मैं सामान लेने गया तब भी मैं मरने वाला था, बहुत मुश्किल से बचा हूँ। सो वहाँ पर जाने के लिए मेरे को और भी खतरनाक आर्मर चाहिए, हीट रेजिस्टेंट वाला। सो वहाँ पर बाद में चलेंगे, अभी और कुछ देखते हैं। सो अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इस साइड चलूँ। सो वर्ल्डेस्ट की साइड में चलना होगा, फिर क्या करना है चलते हैं, फिर वेट किसका करना है। सो जहीं से कंटिन्यू हो रहा है ये लावा वाला एरिया, मगर जहाँ पर जो भी पॉकमॉन्स होंगे ना उनको मैं ऑलरेडी पकड़ चुका हूँ। सो ये मेरे मतलब के बिल्कुल भी नहीं है, मैं गलती से लावा में गिर गया ना तो मेरा सामान वेस्ट हो जाएगा इसमें, इसलिए मेरे को ध्यान से चलना चाहिए आगे। सामने विक्सी जा रहा है, इसका नाम विक्सी है ना, नहीं वैक्सीन। सो ये मेरे पास ऑलरेडी है। सो और की देखते हैं यार, पॉकमॉन ढूंढते ढूंढते रात होगी, अब करूँ तो करूँ क्या यार, कुछ भी समझ में नहीं आता। मेरे साथ हर बार बुरा हो रहा है यार, कुछ भी नहीं पकड़ पाया मैं सुबह से। अभी वहाँ पर गया था तो मरकर आ गया, अब यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ तो रात पड़ गई। मैं रात में अभी ढूंढना चालू रखूंगा यार, घर पर नहीं जाना, क्या पता मेरे को अच्छा सा डार्क टाइप पॉकमॉन मिल जाए। अभी यहाँ पर आया था मेरे को वाम्पू मिल गया है, ये कौन सा पॉकमॉन है, वाम्पू बॉटिन। इसके साथ फाइट करके देखना ही पड़ेगा, जॉर्मनटाइट दिखा दे अपना कमाल। ये वाम्पू वम्पू मेरे बस की बात नहीं है, इसको तो मैं ऐसे ही गलती कर दी। अभी उसकी हाल देखो, 4000 शायद से हम मार सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती है मेरी, मैं क्यों फाइट करने आया हूँ यार, कोई और ही पॉकमॉन ढूंढना था मेरे को, और जो मैं कुछ और ढूंढ पड़ा हूँ। अबे यार अनुबिस कुछ कर सकता है वैसे तू, मेरे हिसाब से कोई पॉकमॉन इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसकी हेल्थ देखो यार, वाम्पू भाई तू क्या कर रहा है भाई। वैसे ये मेरे हिसाब से गेमर फ्लिट भाई का है ये वाम्पू, क्योंकि उनको वाम्पू बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मेरे हिसाब से ये उनका ही है। तो इसको पकड़ें कि ना पकड़ें मेरे हिसाब से बेफालतू है यार, अनुबिस अगर कोई अच्छा डैमेज देता तो मैं देखता हूँ, नहीं तो रहने दे यार। नहीं टाइम वेस्टेज, मैं नहीं पकड़ रहा इसको, मैं तो भगने लगा हूँ यहाँ से, क्योंकि पता ही यार उसको मैं नहीं मार पाऊंगा। हेल्थ देखो उसकी 4000 की, कोई तगड़ा सा पॉकमॉन लेकर आऊँगा जैसे मेमोरिस्ट वगैरह, फिर ही मार पाऊंगा इसको मैं। अरे यार मैं यहाँ पर पहुँच तो गया हूँ, मगर ये क्या ही हो रहा है यार, इसकी यहाँ के लाल मिट्टी कैसे हो सकती है। देखो अब तो चढ़ भी नहीं पा रहा मैं, अरे यार पंगे ही हो रहे हैं मेरे साथ। अब क्या पता डेजर्ट एरिया रात में ऐसा रेड हो जाता हूँ, मेरे को अभी देखना पड़ेगा यार। मैं अच्छा सा पॉकमॉन पकड़ने आया हूँ, वो दिख भी रहा सामने। अबे यार ये बेकार से पॉकमॉन मेरे पास ऑलरेडी है, कॉग्निटो रहने दो भाई, और कोई अच्छा सा मिलेगा तो बताना मेरे को। अभी ये क्या, अच्छा अच्छा वैसा लवांड्रा है यार, इसको मैं ऑलरेडी पकड़ चुका हूँ, फाइट करेगी मेरे साथ, रहने दे नूबड़ी है तू, अभी पिट जाएगी मेरे हाथों में। अभी यहाँ पर काफी सारी लवांड्रा घूम रही, देखो एक और दिख गई मेरे को, अभी कितनी और मिलेगी यार बता दो मेरे को। अभी एक और आ गई लवांड्रा, मेरे हिसाब से ये ख़त्म नहीं होने वाली, मैं पता नहीं क्यों यार मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। सामने एक माइनशाफ्ट है, कहाँ है ये रही, इसके अंदर जाऊँगा तो मेरे को लगता है कोई नया पॉकमॉन मिल सकता है, कौन सा देखो एक मिनट में। इसका नाम है मैनास्टिंग, ओके यार एक बार देख रहा थे, मार ना पाऊँ वो अलग बात है, तो देखने से हमारा क्या हो जाएगा। सो निकालता हूँ अपनी आग और देख रहा था ये कैसा पॉकमॉन होने वाला है, अगर भाई साहब ये देखने में खतरनाक हुआ ना तो मेरी तो चांदी हो रही है। मगर कैसे यार उसको मैं पकड़ नहीं पाऊंगा, मेरे को पता है उसका लेवल 41 है और मेरा 27, सो कोई भी मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब मैं पिट जाऊंगा। इसका नाम है मैनास्टिंग, डार्क टाइप पॉकमॉन है, मेरे पास ड्रैगन टाइप एक है यार, जॉर्मोनटाइट, शायद से कुछ ना कुछ हो सकता है इनका। सो भाई साहब एक ट्राई करते हैं, आ जा बेटे, अबे तूने खा लिया, आ जा बेटे अब होगी फाइट। सो मैंने साथ के साथ रोशनी भी कर दी है, फाइट करके देखते हैं। ओके सो ये हाईली इफेक्टिव है अपना जॉर्मोनटाइट, मगर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसके साथ फाइट कर पाएगा। रहने दे ब्रो, मेरे को मत मार यार, तू बच्चा है अभी मेरे सामने यार, अगर मैंने इसको बाई चांस मार भी दिया तो मैं इसको पकड़ूंगा कैसे, रहने दो पिट गए। शैडो भी कुछ करेगा, चल थोड़ी सी तू फाइट कर, मैं तब तक यहाँ से निकल लेता हूँ, क्योंकि पता ही है पिटना ही है यहाँ से, रहने दो यार। मैनास्टिंग की हेल्थ 44 है, अगर मेरे पास कोई अच्छी लेजेंडरी बॉल होती तब मैं इसको पकड़ पाता, पर लेजेंडरी बॉल तब होती जब मेरे पास कोई लेजेंडरी पॉकमॉन होते। अभी पीछे तो नहीं आ रहा मेरे, तो वहाँ से बच के मैं बाहर आ चुका हूँ, और मेरे हिसाब से यह सुबह भी हो रही है, तो अच्छा होगा कि नए नए पॉकमॉन दिखेंगे उनको मैं पकड़ पाऊंगा यार। वहाँ पर जाकर मैंने एक बेवकूफ़ी की यार, टाइम वेस्टेज था यार, कहूँ क्यों गया मैं, 44 लेवल के बंदे को मार पाऊंगा मैं, सोच भी नहीं सकता मैं उसको मारने का। भाई साहब कुछ भी नहीं मिल रहा तो इसको ही मार देते हैं यार, इसका नाम क्या है, डायनासोर लक्स भाई, तू ही मैं पिट जा यार, जे ले यार अनुबिस ले तू,
अनु भी इसके साथ फाइट करो, तेरे को लेके चलते हैं घर पर यार। पिछली बार इसको मैं पकड़ नहीं पाया, फाइट तो मेरी अच्छी हुई थी मगर फिर भी ये बच गया मेरे हाथों से। मगर आज शायद से मेरे साथ ये जा सकता है। अब इसको यार अपना वार्डिश वाला अच्छा मारता है, उसके साथ फाइट करवाते हैं इसकी। वैसे यहाँ पर सुजाकू बड़े ज़्यादा घूम रहे हैं, अगर मेरे पास कोई अच्छा लेजेंडरी सुजाकू हो ना यार तो मेरी फाइट बड़ी अच्छी हो सकती है यार, क्योंकि सुजाकू एक बहुत लेजेंडरी पॉकमॉन है। एक बार ट्राई करें क्या यार 42 लेवल वाले को मारने का, थोड़े कम लेवल वाला भी चलेगा जैसे 41 का है। इसके साथ फाइट करके देखते हैं, पहले डायनासोर को मार दे फिर उसके साथ फाइट करेंगे और उसको पकड़ लेंगे फिर हम। अरे भाई साहब इसने उसको पूरा ही मार दिया, अब इतनी हिम्मत है तो उसको भी मार के दिखा फिर। सुजाकू को मार दे, तेरा काम हो जाएगा भाई। मार 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 और ना कोई आ जाए, दूर दूर ही है वैसे सभी। इसके साथ फाइट कर, सुजाकू आ जा यार, क्या कर रहा है बेटा है? ओके ओके, वार्डिश की फाइट हो रही है और अच्छा डैमेज दिया। अच्छा फिर से कर भाई, मज़ा आ जाएगा आज तो यार। अगर मैंने सुजाकू को पकड़ लिया, मे बी लग तो नहीं रहा है मैं उसको पकड़ पाऊंगा, वो देखो डेंजर में भी आ गया नोबड़ा। करूँ अब क्या मैं, वापस आ जा, वापस आ जा, तू रहने दे, तेरे से नहीं हो पाएगा। मेरे को जर्मन टाइट को निकाल के देखना चाहिए, शायद से वो कुछ कर पाएगा। सो जर्मन टाइट दिखा दे अपना कमाल। अब एक तो ये दूर बड़ा चलता है फाइट करने, ये देखो अच्छा डैमेज दिया, इसको मैं पकड़ सकता हूँ बस समझदारी के साथ। जैसे अभी शैडो ब्रेकर निकालूंगा, सबकी हेल्थ नहीं मैंने जाने देनी, आराम आराम से फाइट करवाऊंगा। भाई साहब हमने इसकी हेल्थ यार हाफ तो कर दी है, बस आप थोड़ी सी मेहनत और मेरा काम बन सकता है। ये देखो यार शैडो ब्रेकर भी अच्छा कमान दिखा रहा है, वार्डिश के साथ फाइट तो कर पा रहा है मगर यार वो ग्रास टाइप का कमान है, ये इसको अच्छे से धो सकता है इसलिए मैं उसको ज्यादा यूज नहीं कर रहा। अभी अनुबिस भी अपना कुछ कमाल दिखा नहीं पा रहा है, इसका मतलब मेरे को बॉस वाला अनुबिस अब जल्दी पकड़ना होगा। अभी देखो देखो भाई साहब, अब इसकी हेल्थ थोड़ी कम ही रहेगी, मरने वाला हूँ अभी, मेरी हेल्थ भी कम रहेगी। वो भी अबे आ गया है, अबे ये क्या हो गया, अबे यार अबे भाग दिया मैंने, हक दिया यहाँ पर आकर तो मैंने पूरा ही हक दिया यार। अनुबिस पहले कुछ कर नहीं पा रहा था, एंड पॉइंट पर आकर उसने उसको मार दिया। अब मैं क्या करूँ यार, क्या करने आया था मैं यहाँ पर, अच्छा पॉकमन लेने आया था, हाथ में आया भी और बाद में भग भी गया। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं वापस घर में जा रहा हूँ। पिटाई खाने के बाद यार वापस से मैं घर पर आ चुका हूँ, अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं। अब मैं अनुबिस और वैन विरम नहीं सोचा, हेल जैफर को लगाने वाला हूँ ब्रीडिंग पे, तो देखता हूँ मेरा हेल जैफर कहाँ पड़ा है। हेल जैफर अपना मेल है और अपना अनुबिस ये भी मेल है, इसका मतलब मेरे को एक हेल जैफर ढूंढ कर आना होगा, वो भी फीमेल वाला। सो ढूंढते हैं फिर, इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है भाई साहब। काफ़ी देर वेट करने के बाद रात हो चुकी है, अब मेरे को जाना होगा नई लोकेशन पे। अभी आते पीट रहे हो, ये लो जर्मन डैट लो। वैसे कोई ये नई लोकेशन, इस लोकेशन में काफ़ी बार पहले भी आ चुका हूँ मगर इस लोकेशन में हमें हेल जैफर काफ़ी सारे मिलते रहते हैं। बस मेरे को एक फीमेल वाला पकड़ना और उसको साथ में लेके चलना, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं वेस्ट करना हमें। अभी यार बड़ी खतरनाक रात हो रही थी, मैं कहने ही वाला था मगर सामने मेरे को हेल जैफर दिख रहा है, जो फीमेल वाला होगा तो भाई साहब मजे आ जाएंगे। ओ भाई फीमेल फीमेल फीमेल, अबे तेरी तो आज खैर है बेटे, नीचे आ जल्दी आ, तेरे को अभी बताता हूँ मैं। और अभी दिखा दिया अपनी पावर इसको, अबे रुक जा रुक जा रुक जा। वैसे ये डार्क टाइप है इसको, आई मीन हमारा जर्मन टायर अच्छे से पीटेगा, भी नहीं पकड़ पाऊंगा, थोड़ी सी हेल्थ और लूज करते हैं इसकी। फिर पक, अबे यार इतनी मुश्किल से मेरे को ये मिला, वो भी फीमेल वाला, जोन सा मेरे को चाहिए था, पता नहीं किस्मत ही खराब है यार। अब मैं इनको क्या बोलूं नूबड़ों को, ये तो मेरे ओके ओके रहने रहने सामने, मगर अजय तो मेल वाला है, ये नहीं मेरे को चाहिए, मेल वाला मेरे पास ऑलरेडी है, फीमेल वाला मिला था यार, क्या करूँ अब मैं। इसको दूसरी बॉल से पकड़ते हैं, लेजेंडरी बॉल से। आ जा बेटे, ज़्यादा अपने नखरे मत दिखाना, अब जल्दी से आ जाना, कोई बात नहीं तेरे से मैं बॉल वेस्ट करवा दूँ, क्योंकि तू तो बहुत लेजेंडरी पॉकमन देने वाला है मेरे को, रहने दे यार इतना भी मत कर। चल इसके रेड बॉल यूज़ कर देते हैं, आ जा बेटे अब आ जा, बहुत लेजेंडरी बॉल यूज़ की है तेरे ऊपर मैंने, अब मत टाइम वेस्ट करना मेरा। उसका भाई आ गया है मेरे साथ फाइट करने, चलो ये तो अपने पास आ गया, अब घर पे चलते हैं और इसके भाई के साथ मैं नहीं फाइट करने वाला, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। मेरा कोई भी मन नहीं था यार अनुबिस को यूज़ करने का, मगर अब कुछ कर नहीं सकते यार, यूज़ तो करने पड़ेगा। अनुबिस तू भी आ जा, और जो नया हेल जैफर पकड़ा है भाई साहब तू भी आ जा, तो तुम दोनों को लेके चलता हूँ मैं साथ में। अब अच्छा सा मेरे को फ्लैरिस दे देना, कोई लेजेंडरी एक टाइप का, ज़रा नखरे मत दिखाना। सो इसको फेंक दिया मैंने यहाँ पर, और अपना अनुबिस भाई, अबे तेरे को माइनिंग के लिए किसने बोला है, हर टाइम तो मेरे साथ रहता है, तेरे को पता नहीं क्या करना होता है। अब इसको भी फेंकते हैं यहाँ पर, अपना काम हो गया है। सो इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई ना, वैसे हो गई है, और अपने को आई मीन मैंने केक भी तैयार रखा है, बस इनकी ब्रीडिंग हो जाए फिर हम अंडा ले लेंगे इनसे। अभी भाई थोड़ी देर में पहले ही ये लोग आए थे मेरे साथ फाइट करने, मगर मेरे पैल से इनको क्या ही कूटा है। सो अभी देखता हूँ इनकी ब्रीडिंग हो चुकी है कि नहीं। ओके ओके इनकी ब्रीडिंग तो हो चुकी है, अब इनको केक ही लाना है, मेरे पास केक है एक, कहाँ गया अभी केक, कहाँ चला गया ये रहा। सो खाओ केक, और ये उन्होंने दे दिया मेरे को अंडा। सो भाई साहब ये है लार्ज स्कॉचिंग एग, इसको कितना टाइम लगेगा देखना पड़ेगा, कहाँ गया ये रहा। सो इसको 30 मिनट्स लग रहे हैं, अबे भाई साहब
वही पॉकमन दिया ना जो मेरे को चाहिए था, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो यार नुबड़ो। चलो वेट करते हैं जब तक ये पॉकमन हो रहा है, तब बाद में मिलते हैं फिर। तो भाई साहब काफी देर वेट करने के बाद मेरे को लग रहा है ये अंडा हो चुका है, सो एक बार इसको खोल के देखते हैं। अबे क्या हो रहा है भाई ये, अबे इसको खोलो जल्दी से यार, मेरे को देखना है अपना फ्लैरिस निकलेगा कि नहीं। हैं रैग्नाहॉक, अबे ये क्या टट्टी चीज दे दी मेरे को, फ्लैरिस कहाँ है? देखना देखना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाओ यार, मैं कुछ गलत बोल गया शायद से। रैग्नाहॉक, अबे एक मिनट बाहर निकालना है इसको। भाई फ्लैरिस नहीं आया मेरे हिसाब से, मगर ये कुछ अच्छा पॉकमन निकल तो गया है जो मेरे को चाहिए था, मगर वो नहीं निकला। अबे लगता है मैंने गलती कर दी यार, मेरे को वैनवेरम ही यूज़ करना था, मैं कंफ्यूज हो गया यार हेलज़ेफ़र और वैनवेरम में। तो आप लोग नूब लिख सकते हो यार कमेंट्स में यार, ये मैंने क्या ही हक दिया, मेरे को फ्लैरिस चाहिए था और ये नूबड़ा पॉकमन निकल गया। अब इसको 30 मिनट्स लगे, इसका मतलब कोई लेजेंडरी पॉकमन नहीं होगा, तो रहने दो फिर। उम्मीद है आप लोग को इस वीडियो में मजा आएगा, मजा आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट वीडियो में फ्लैरिस को अपडेट जरूर करेंगे, हम फाइट करने जाएंगे लाइलिन के साथ, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कूट करेंगे, जो मर्जी हो जाए उसको देखने के लिए जरूर आना। सो मिलते अगली वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।